हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस साइन में हिंदी। थंबनेल टाइटल देख के मालूम पड़ गया है कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। क्या लूफी अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग करेगा वानो आर्क में? ये चीज सभी के दिमाग में आता है, इस बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। जो एनिमे फैंस है वो लोग इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि उसमें हो सकते हैं मांगा के स्पॉयलर्स, और उसके बाद मत बोलना कि भाई तू मांगा स्पॉयल कर दिया। वैसे अगर तुमको मांगा स्पॉयलर से फर्क नहीं पड़ता तो बिंदास होकर ये वीडियो एंजॉय कर सकते हो, और मांगा रीडर तुम लोगों के लिए तो है ये। तो जैसा कि मैं कह रहा था, क्या वानो आर्क में हमें लूफी का बांकाई दिखेगा? ये साला ब्लीच का ही असर है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, ब्लीच का न्यू टीजर आया है, और ब्लीच फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने अपने सेकंड चैनल पे ब्लीच के टीजर का रिव्यू डाला है। तो जिसने भी वो वाला टीजर का रिव्यू नहीं देखा, जाके मेरे सेकंड चैनल पे देख लो। ज्यादा कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाके सर्च करो आरबीएस एनिमेटेड 2.0, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, मैं तुमको कमेंट बॉक्स पे भी पिन कर दूंगा। मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसा कि तुम जानते हो, तुम एक मांगा रीडर हो, मैं इस हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। लूफी काइडो के साथ 1v1 फाइट कर रहा है। अभी उसके पास एडवांस कॉन्करर हाकी आ चुकी है, और वो काइडो को बराबर का टक्कर दे पा रहा है। जिस तरह से मांगा में बादल फटा था, वो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा था। मेरे लिए वो मांगा चैप्टर अच्छा था, और लूफी ने उस मांगा चैप्टर को बचा लिया था। पर मैं यहाँ पे मांगा चैप्टर का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात करूँ क्या लूफी अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग करेगा। देखो, मेरे हिसाब से अभी नहीं करेगा। वानो आर्क के बाद जब फाइनल वॉर आएगा, या फिर लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड की फाइट होगी, उसके खिलाफ ये सब चीजें हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि काइडो एक स्ट्रांग ओपोनेंट है, बट काइडो के खिलाफ वो फाइट करने के लिए बहुत सारी चीजें सीख चुका है। रियू हाकी, एडवांस कॉन्कर हाकी, प्लस उसने अभी तक कोई नया गियर नहीं दिखाया। ऊपर से इसने अपने किसी न्यू गियर पे कॉन्कर हाकी कोटिंग करके फाइट नहीं किया है। जैसा कि तुमने मेरा वो वाला वीडियो देखा था, अगर नहीं देखा तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, लूफी करंट पावर एक्सप्लेन के ऊपर मैंने जब वीडियो बनाया था, तो वहां पर मैंने बताया था लूफी का जो न्यू पावर हो सकता है एक ऐसा फॉर्म हो जहां पर लूफी एडवांस कॉन्कर हाकी कोटिंग वाला हो, जहां पर वो काइडो के साथ फाइट करे और वहां पर काइडो को हराए। हाँ, वो बात अलग है कि काइडो उसको बुरी तरह गंदा तरीके से मारेगा, बट नया गियर आएगा या फिर डेविल फ्रूट अवेकनिंग होगा, इस बारे में मेरे को नहीं पता। हो सकता है न्यू फॉर्म में वो एडवांस कॉन्कर हाकी कोटिंग करके कोई अजीब सा, कोई स्टाइलिश सा नया फॉर्म दिखाए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि काइडो वीक हो चुका है, उसके लिए डेविल फ्रूट अवेकनिंग या फिर कोई नया फॉर्म की जरूरत नहीं है। देखो भैया, काइडो वीक नहीं हुआ, काइडो थका है, इतने सारे ओपोनेंट से फाइट किया है। चलो मैं तुमको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले वो फाइट किया अकाजाया 9 से, उन सबको धोया। फिर आया न्यू जनरेशन, जिनमें 3 कैप्टन और 2 वाइस कैप्टन है, फिर उनको मार के फेंका। उसके बाद लूफी 1v1 फाइट किया, उसको समुंदर में मार के फिर फेंका। उसके बाद फिर आई यामाटो, यामाटो के साथ भी फाइट किया, और उसको भी हराने के बाद अब जाके वो लूफी के साथ फाइट कर रहा है, और लूफी को वो अब भी बराबर का टक्कर दे रहा है अपने हाइब्रिड फॉर्म में। तो जरा मेरे भाई ये चीज सोचो ना, अगर ये बंदा थका हुआ नहीं रहता ना, भाई लूफी को कितना ही गंदा तरीके से मारता, हो सकता है लूफी और दोबारा उठ ही नहीं पाता। बट खैर, कोई भी हो, लूफी काइडो को अब भी हराने के हालत में नहीं है। अगर वो एडवांस कॉन्कर हाकी कोटिंग कर भी लेता है ना, लूफी उसको गंदा तरीके से मार नहीं पाएगा, क्योंकि काइडो उसको गंदा तरीके से फिर से मारेगा। और इसी वजह से लूफी हो सकता है कि अपना नया फॉर्म दिखाए, बट डेविल फ्रूट अवेकनिंग इतनी जल्दी वो नहीं कर लेगा, क्योंकि अभी अभी वो एडवांस कॉन्कर हाकी सीखा है। नेक्स्ट चीज, अगर तुमने मेरा जंप फेस्टा वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। ओडा ने बोला मेन हीरो पे ध्यान देना, वो लूफी की बात कर रहा था, और ओडा ने ये भी कहा था वो वानो आर्क के फाइनल फाइट को लंबा खींचने वाला है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि लूफी वर्सेस काइडो का जो फाइट है, ये फाइनल फाइट है नहीं, बल्कि कोई और फाइट है। हो सकता है कि मरीन वहां पर हमला कर दे, और उसके बाद जब लूफी काइडो को हरा चुका होगा, वहां पर हमें कुछ दिन का लफड़ा चले, या फिर उसके बाद लूफी के पास कोई चारा नहीं बचेगा, और लूफी वहां पर बोले कि ये एरिया मेरे अंडर है, यहाँ पर खबरदार अगर कोई हमला किया तो। अब यहाँ तुम लोग बोलोगे कौन आएगा? भैया अपना CP0 का एक मेंबर आ रहा है, जिसको लूफी ने ऑलरेडी यानी इस लॉबी में धोया था। रॉब लूची की बात कर रहा हूँ, वो मरीन्स को लेके वानो आ रहा है और अभी तक पहुंचा नहीं है। तो हो सकता है कि जब काइडो हार जाए तो वहां पर वो पहुंचे, हो सकता है कोई एडमिरल भी आ जाए, क्योंकि यार किजारो वहां आने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा था। ऊपर से वानो फ्री हो चुका होगा, तो मरीन तो उस पे कब्जा करना चाहेगी ही। और अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम्हें मालूम है कि मोमोनोसुके के पास कोई दम नहीं है कि वो मरीन को ये कह सके
कि ये मेरे अंडर आती है, मैं यहाँ का शोगुन हूँ। भले उसका एज बड़ा हुआ है पर वो अभी भी बच्चा। जब वो ड्रैगन फॉर्म में था ना, उसकी काइडो से फट रही थी वो, तो अच्छा लूफी ने थोड़ा बहुत हौसला बढ़ाया, वरना वो किसी काम का नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा था, क्या लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बिकॉज लूफी अपने नए फॉर्म के साथ शायद काइडो को हराएगा, या फिर अपने पुराने फॉर्म्स में ही कॉन्ट्रा की कोटिंग करके काइडो को हरा दे, या फिर नया गियर आ जाए, बट डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं होगा। वरना फिर ओडा के पास और कोई तरीका बचेगा ही नहीं जिससे वो लूफी को फाइनल फाइट के लिए पावर अप दे पाए। तो खैर, यही तक था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। अगर तुम्हारा कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, साथ ही साथ तुम्हारी राय भी जरूर देना। तो यार, मेरे सेकंड चैनल पे जाके उस ब्लीच वाले रिव्यू के वीडियो को देखना मत भूलना, साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर ब्लीच रिलेटेड वीडियोस आएंगी। तो यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए, बाय।